हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का इस हफ्ते की पहली फिल्म इथारकुम थुनिन धवन के रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? बट फ्रेंड्स, इस पूरे रिव्यू में इस फिल्म का नाम ईटी रखेंगे। सूर्या इज बैक इनटू कमर्शियल सिनेमा। बहुत सालों से वो सूर्या जो हीरोइन के साथ डांस गाना करा करता था, फैमिली एंगल, मदर एंगल, इमोशंस, उसके बाद कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी जो कि इजी ऑन द ब्रेन्स हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मारधार एक्शन सीक्वेंसेस जो कि फ्रंट बेंचिंग ऑडियंसेस को प्लीज करे, उसके बाद बड़े बड़े लंबे लंबे गाने, इंट्रोडक्शन सॉन्ग वाले गाने, हीरोइन के साथ स्पेशल स्टूडियो में शूट, कलरफुल गाना, ये सब चीजें जो है वो सूर्या ने बहुत सालों से नहीं किया है। उनकी पिछले जितनी भी फिल्में ले लो, चाहे वो सुरु रेपुट्रो हो, यू नो जय भीम हो, उससे पहले जितनी भी फिल्में हो, दिस सूर्या, तो मां सूर्या जो अनजान जैसी फिल्मों में था, वो अब वापस आ गया है इस फिल्म से। पांडिराज, डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, हुज कथकली इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, जिसमें विशाल, आई थिंक उसका रिव्यू भी किया है मेरे चैनल पर, ही इज डायरेक्टिंग अ फिल्म केटरिंग टू द फैमिली ऑडियंस। ये फिल्म पूरा परिवार, फादर, मदर, सिस्टर, एवरीवन कैन सिट टुगेदर, एंड ये फिल्म के जो दो हाइलाइट्स है, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, द क्लाइमैक्स ऑफ दिस फिल्म इज अ कंप्लीट शॉकर। डोंट मिस द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स आपको ये पूरी फिल्म का जो कंक्लूजन है, यानी कि पूरी फिल्म देखने के बाद जो कंक्लूजन आता है इस फिल्म का, इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक ये क्लाइमैक्स को देखकर बॉलीवुड डेफिनेटली ये फिल्म जो है ईटी उसका रीमेक करने जाएगा, क्योंकि गाइस हिंदी वर्जन जो है इसको शोज ही नहीं मिले ना के बराबर है। मैंने सुबह इसको तमिल वर्जन में देखा है, एंड गाइस इतना कह सकता हूं, दिस इज अ वेरी डिसेंट स्टोरी। कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक गैंग है जो कि लड़कियों को किडनैप करती है, उनको ब्लैकमेल करती है, हाँ, उनके छुप छुप के वीडियोस बनाती है, एंड फिर उनको किस तरह से ब्लैकमेल करने के, यू नो, उस झांसे में फंसा कर उनसे गलत काम करवाती है। अब गाइज ये यहाँ पे विलन की बात हो गई। बात करें सूर्या की, तो गाइज सूर्या यहाँ पे वकील बना है, उस तरह का वकील नहीं, यू नो, इज अ वेरी कॉमेडी वकील, यानी कि उसका एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके माँ बाप है, यानी कि हंसता खेलता है एंड सच्चाई के लिए खड़ा रहता है। एंड किस तरह से सूर्या के लाइफ में क्या आता है ऐसा कि उसको यहाँ पर हथियार उठाने पड़ जाते हैं, एंड जो विलन्स है उनके अगेंस्ट वो हेड टू हेड आ जाता है, ये कहानी है फिल्म ईटी की। इस कहानी में सुसाइड, उसके बाद दो गांव के बीच में मुठभेड़, उसके बाद सोशल मीडिया का मिसयूज, उसके बाद से किस तरह से रेप, ये सारे के सारे एंगल्स जो है यहाँ पर डायरेक्टर पंडिराज ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डाले हैं। बट मैं बात करूं इस फिल्म की शुरुआत की, द स्टार्टिंग ऑफ दिस फिल्म इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। फिल्म के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है किस तरह से यहाँ पर सूर्या की एंट्री होती है, हाथ में लंबी सी तलवार रहती है, एंड गाइस यहाँ पर कटप्पा, यानी कि सत्यराज जो उसके पिता बने हैं, वो कहते हैं कि वो यहाँ पर साइंटिस्ट बनना चाहता था, एंड यहाँ पर तीन नहीं, चार नहीं, पांच लोगों को मारा है। सो गाइस, फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किस तरह से यहाँ पर एक पुलिस, एक इंजीनियर, एक आईटी ऑफिसर सूर्या सात लोगों की हत्या कर देता है। अब वो उसकी हत्या क्यों करता है, क्या कारण है, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ईटी। मैं बात करूं सूर्या की, तो सूर्या के जो एंट्री पॉइंट है वो ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जिस तरह से धोती उन्होंने पूरी पूरी फिल्म में पहनी है, वो मास ऑडियंस को फुल मील्स जो कहते हैं, वो जब जब धोती लिफ्ट करते हैं, लाइक भीमला नायक, इट्स अ कंप्लीट राइट। कोर्ट में, वहां पर हम जब कोर्ट पहनकर जाते हैं तो वहां जज कोई और होता है, लेकिन बाहर की दुनिया में जब मैं धोती में आता हूं, तब मेरा जज मैं खुद होता हूं। फ्रेंड्स, मैंने फिल्म तमिल में देखी है, इसलिए उसको इंटरप्रेट करके मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो रोमांटिक एंगल ऑफ दिस फिल्म इज वेरी नाइस, द हीरोइन हैज डन अ वेरी नाइस जॉब इन दिस फिल्म। सूर्या एंड हीरोइन के बीच में, प्रियंका, आरुल, मोहन के बीच में बहुत अच्छे सीन्स है, किस तरह से ब्लूटूथ के द्वारा वीडियो कॉल से आप गाड़ी खोल सकते हो, ये साइंटिस्ट बनना चाहता है, सारी सारी चीजें दिखाते हैं। उनका लव एंगल मुझे काफी फ्रेश लगा, उनकी स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे है। विनय राय एज द विलन इनबा इज अ क्लासिक केस ऑफ अ साइकोटिक विलन, बहुत ही अच्छा विलेन का किरदार निभाया है, मस्त, यू नो, पियानो बजाते रहता है, दारू पीता है, पूरे फिल्म में हुक्का पीता है, उसका भी एक अलग एंगल चलता है इस फिल्म में। एंगल उसके बाद सत्यराज एज सूर्याज फादर इज फैंटास्टिक। कन्नबीरन
ये सूर्या का नाम है इस फिल्म में। एंड में आपको कन्ना वीरन एक सरप्राइज देकर जाएगा ईटी में। बात करूं गाइस यहाँ पे अन्य किरदारों की, तो मधुसूदन राव जो है इनबा का जो बाप बना है इस फिल्म में, उसने काफी डिसेंट काम किया, ज्यादा कुछ किया नहीं है। सरानिया पोनावनन जो कन्ना वीरन की यानी कि सूर्या की माँ बनी है इस फिल्म में, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बात करूं इंटरवल फाइट सिक्वेंस की, स्लो मोशन एट इट्स बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन है। क्लाइमैक्स का फाइट सिक्वेंस बहुत ही अच्छा है, इसके बीच में रोमांस होता है, रोमांटिक गाने आते हैं, यहाँ पे सुसाइड दिखाई जाती है, फैमिली प्रॉब्लम्स, यू नो मदर एंड सन इमोशन, उनके बीच में कॉमेडी दिखाई जाती है, किस तरह से दो गांवों के बीच में शादी नहीं होती है। स्क्रीन प्ले बहुत ही फैमिली बेस्ड स्क्रीन प्ले है। फिल्म की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसी स्टोरी देखी नहीं है। स्क्रीन प्ले जो है वो काफी प्रेडिक्टेबल है, आप गेस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ हम नया देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पंडीराज यहाँ पे स्टोरी आगे ले जाता है, बोर होने का मौका जरा भी नहीं देता। ढाई घंटे की फिल्म है। मुर्गा जो यहाँ पर टेम्पल है वहां पर एक सीक्वेंस है, बहुत ही बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी है, बहुत ही फायर लेवल का सीक्वेंस है जो वहां पे किया है। एंड जिस तरह से इंटरवल में आपको फिल्म छोड़ के जाती है, पोस्ट इंटरवल इट्स ऑल अबाउट फैमिली फन कॉमेडी। सूर्या किस तरह से यहाँ पे मास कमर्शियल सिनेमा में वापस एंटर करता है, दो तीन गाने हैं, एक एंशियंट सॉन्ग सेटअप है, एक यहाँ पर सूर्या के लुक्स जो है पूरे फिल्म में चेंज होते रहते हैं। ऑब्वियसली इसके अब लॉन्ग हेयर, लेकिन सॉन्ग में कभी शॉर्ट है कभी स्पाइकी है, तो सिर्फ गाने ऐसे इफेक्ट के डाले हैं। परोटा सूरी उसकी कॉमेडी बहुत ही बेहतरीन है, आपको हंसने पर मजबूर कर देती है। प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, क्लाइमैक्स का एक्शन अच्छा है। अगर क्लाइमैक्स में ट्विस्ट नहीं होता तब मैं फिल्म को सिर्फ 2.5 स्टार देता, लेकिन थैंक्स टू द क्लाइमैक्स ट्विस्ट, यस फ्रेंड्स क्लाइमैक्स बहुत ही बेहतरीन है। एंड जैसे क्लाइमैक्स खत्म होता है, सीट्स मत छोड़ के जाना आप लोगों को, जो होता है ना क्लाइमैक्स में वो आपको सीरियसली यू विल स्टैंड अप एंड क्राई इन इमोशन। दैट्स व्हाई आई गिव ईटी 3.25 out of 5 stars। बहुत ही अच्छी फिल्म है, फैमिली ऑडियंस है, थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, यहाँ पर थोड़ा आपको स्क्रीन पे लंबा लगेगा। जो लोग यू नो मस्ती मजाक करने के लिए जा रहे हैं थिएटर में, यानी कि जिनको फैमिली इमोशंस सिस्टर ब्रदर इमोशंस ये ज्यादा ओवरडोज में लगते हैं, अगर होते हैं उनके लिए फिल्म नहीं है। लेकिन परिवार को आप पूरी तरह से ये फिल्म जो है वो जाकर दिखा सकते हो, और इन ऑल एक फैमिली फिल्म कहूंगा। बात करूंगा सिनेमाटोग्राफी की, रत्न वेलु बहुत ही बेहतरीन है, रूबेन जो एडिटर है इस फिल्म के 15-20 मिनट जो है फिल्म के कम कर सकते थे। डी ईमान का म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, जो ओपनिंग सॉन्ग है सूर्या का वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। ये फिल्म तेलुगु में तो आई है, तमिल में भी आई है, एंड गाइस ये फिल्म हिंदी में भी आई है। अगर आपके वहां पे हिंदी शो है तो आप जाके इसको हिंदी में देख सकते हो, मैंने इसको तमिल में देखा है, एक बार आप ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ग्रेट फिल्म नहीं है लेकिन एक अच्छा मैसेज दे जाती है। ऑल इन ऑल सूर्या की पूरी फिल्म की जो जिम्मेदारी है सूर्या के कंधे पर है। उसका रोमांस ब्रिलियंट, उसका एक्शन सुपर्ब, जब वो धोती में एक्शन करता है एफर्टलेस लगता है। डांसिंग इस बार सूर्या ने कुछ अलग लेवल के डांस किए है, जहाँ पे इससे पहले उसने करियर में बहुत कम किया है राइस डांस। डायलॉग बाजी बहुत ही बेहतरीन है, काफी एफर्टलेस एक्टिंग कहूंगा। एंड सूर्या कमिंग बैक इन टू मास मोड, क्योंकि फैंस को हर चीज देना जरूरी है, हर रोल में आपको एज एन एक्टर स्क्रीन पर आना जरूरी है। एंड सूर्या एज अ मास फिल्म एक्सेल्स, इट्स अ सूर्या शो। पंडीराज बहुत अच्छी कॉमेडी फैमिली इमोशंस डालता है, मदर सन सेंटीमेंट सिस्टर सेंटीमेंट, एंड किस तरह से लड़कियों का एक एंगल दिखाया है इस फिल्म में कि किस तरह से यहाँ पर औरतों की इज्जत करनी चाहिए, वो एंगल अगर आपको हिट कर गया देन दिस फिल्म विल बी अ विनर फॉर यू। 3.25 out of 5 stars फॉर सूर्यास ईटी। स्टे कूल मैन।